नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वकील साथी विकासखंड कासमबाद जिला गाजीपुर। कोतवाली कासमबाद जनपद गाजीपुर में जितने प्रवासी आ रहे हैं दूसरे प्रदेश से, यहां पर एंट्री करने के बाद बगल में अस्पताल भी है, उसमें चेकअप हो रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं यहां पर कहां से ये लोग जो जितने प्रवासी हैं कहां से आए हुए हैं, और इनसे हम थोड़ा सा पूछते हैं ये लोग कहां से आए हैं। भैया आप कहां से आए हैं? आंध्रा से। आंध्रा से आए हैं? हाँ। किस सुविधा से आए हैं? लारी से। लारी गाड़ी। ये जो लारी जो होती है, जो ट्रक होता है, ये लोग ट्रक से आए हैं। आप तो ये ट्रक को कितने पैसा दिए आप? 3500। ये जो लारी होती है, ट्रक को बोला जाता है, यहाँ पर जो ट्रक होता है उसे ये लोग लारी बोलते हैं, उसे 3500 रुपया पे करके और ये लोग आंध्रा से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? आंध्रा से ही हैं सर। ये भी आंध्रा से आए हैं। आप भैया कहाँ से आए हैं? भी। तो यहाँ पर लगभग हमको लग रहा है कि एक लारी जो एक ट्रक है ये लोग, आप लोग एक ट्रक में कितने लोग थे? 7 1 7 70। कितने लोग? 70 हो गए। एक ट्रक में 70 लोग। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में लोग बता रहे हैं कि सरकारी बसें चलाई जा रही हैं, तो उसमें व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन उस तरीके का व्यवस्था ट्रक में नहीं मिल पाएगी, सबको मालूम है। तो आइए कुछ और लोगों से हम पूछते हैं ये लोग कहाँ से कैसे आए, पैदल आए, चलकर आए। भैया आप कहाँ से आए? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश, यही भैया आंध्र प्रदेश से आए हैं, और इन लोग इनसे भी पूछते हैं। आप भैया कहाँ से आए? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। आप देख सकते हैं ये पूरे जितने लोग हैं ये लोग, हमको लगता है पूरा आंध्र प्रदेश से आए हैं। भैया आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र। किस सुविधा से आए आप? ट्रक से आए हैं। तो ये भैया बता रहे हैं कि ट्रक से आए हैं, और ट्रक वाला कितना किराया लिया? 2500। तो महाराष्ट्र से आए हैं, 2500 रुपया ट्रक वाला ने किराया लिया। कितने दिन में आपको लाकर यहाँ पर छोड़ा? 4 दिन लगा। आप लोग कहाँ कहाँ, बीच में कहीं आप लोग रुके? हाँ, रुक के आए। कहाँ रुके आप लोग? कानपुर में रुके थे। हाँ। फिर यहाँ जौनपुर रुके थे। हाँ। तो बाहर आए कानपुर जौनपुर रुक करके यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर आप किस गांव के हैं? महादेवा। तो भैया ये बता रहे हैं कि ये महादेवा के रहने वाले हैं, और कोतवाली कासमबाद जनपद गाजीपुर में ये लोग चेकअप कराने के लिए एंट्री करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरी जितनी लाइनें हैं, ये जितनी लाइनें हैं बढ़ती जा रही है, लाइनें सब बढ़ती जा रही है। भैया आप लोग कहाँ से आए? आ रहे हैं अंगोल से। आज कहाँ से? अंगोल से आ रहे हैं, महाराष्ट्र भी। चलिए ये नहीं बता रहे हैं। आप ये कहाँ से आए? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश, ये भैया आंध्र प्रदेश से आए। आप किस सुविधा से आए हैं? बस से आए। कौन सी बस थी? ट्रक है ना, लॉरी थी। ये लॉरी ट्रक को ही बस बोल रहे हैं। तो ये ट्रक से आए, कितना रुपया खर्च हुआ आने में? खर्च तो बहुत ज़्यादा लग गया। कितना लगा? 2,10,000। तो पूरे ट्रक को आप लोग बुक किए थे? हाँ, वहाँ से बुक किए। 2,20,000 में, 2,20,000 रुपये में पूरे ट्रक को ये लोग बुक किए, और ये कासमाबाद क्षेत्र में आने के लिए। तो ये जो ट्रक वाला था आप लोगों कहाँ ला कर छोड़ा? गाजीपुर। जब छोड़ दिया, आप लोग गाजीपुर से किस सुविधा से आए? टेम्पू से आ रहे हैं। वहाँ से ये लोग गाजीपुर ट्रक वाले ने ला करके छोड़ दिया, और उसके बाद ये लोग टेम्पू करके यहाँ तक पहुँचे। तो आइए और हम बात कराते हैं किस क्षेत्र से प्रवासी यहाँ पर चल करके आ रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम लोग चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से? आप चेन्नई से किस सुविधा से आए? आंध्र प्रदेश। किस सुविधा से आए? लारी से। इस समय जो ट्रक की सेवा है काफ़ी देखने को मिला है, जो ट्रक है उसमें बैठने का जगह नहीं होता है, कुर्सी जैसे आपको बैठने को नहीं मिलेगा। आप भैया किस कहाँ से आए हैं? जी परमेल से आए हैं। ये कहाँ पड़ता है? परमेल बॉम्बे।
ये भी बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे से आपके किस सुविधा से आए? जी बाइक ही से आए हैं। बाइक? हाँ, 12 बाइक थी, बाइक ही थे, 24 आदमी थे। 24 लोग मिल करके और अपने निजी साधन बाइक से इन्होंने सफ़र किया। अब ये कहाँ से आए? सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद किस सुविधा से आए? पैदल आए, पैदल से आए, आधा पैदल आए, आधा ट्रक से आए। तो इन्होंने बता रहे हैं कि सिकंदराबाद से चले थे और पैदल कुछ दूरी तक पैदल सफ़र किए और उसके बाद फिर बस मिली। बस कौन सी मिली थी? ट्रक मिला था, ट्रक था। तो ट्रक मिला था, ट्रक वाले ने आपसे पैसा लिया? हाँ पैसा लिया ना। कितना लिया? 3000 रुपये लिया। तो आधा दूरी आने के बाद इनको एक ट्रक का साधन मिला और 3000 रुपये ले करके गाजीपुर पहुँचाया। कहाँ पहुँचा था? बनारस छोड़ दिया, बनारस हम लोग, मैं था, मेरा छोटा बच्चा है, एक मेरे पास वाइफ है, हम लोग पैदल आए वहाँ से। बनारस लाकर छोड़ दिया ट्रक वाले ने, मुगलसराय बनारस लाकर छोड़ दिया। और इनका पूरा परिवार था, इनके बच्चे थे, इनकी बीवी थी, और वहाँ से बनारस से इन्होंने पैदल सफ़र करके कोतवाली कासिमाबाद में इन्होंने आया और यहाँ पर इंट्री कराएंगे। और बगल में हॉस्पिटल है, राजकीय हॉस्पिटल है, उसमें ये जांच करवाएंगे और जांच कराने के बाद गांव जाएंगे। गांव में भी केवल एक रूम में रहने के लिए, यहाँ पर जो हॉस्पिटल में जो चेकअप होने के बाद एक रूम में रहने के लिए आदेश दिया जा रहा है। तो आइए आपको इनसे भी बात कराते हैं। अब भैया कहाँ से आए? आंध्रा से। आंध्रा से ये भैया आंध्रा से आए। कितना रुपया खर्च हो गया आपको? हो गया सर 3000 रुपये तक। 3000 रुपये। आप कहाँ, यहाँ पर कहाँ बनारस में आए कि गाजीपुर आकर छोड़ा? उधर पैदल आ रहे थे सर, उसके बाद से ट्रक वाले को बैठाया तो वो लिया 3000 रुपये, फिर गाजीपुर लेकर छोड़ा। गाजीपुर छोड़ा। तो ये बता रहे हैं कि पैदल आ रहे थे, उसके बाद ट्रक की सुविधा मिली, साधन मिला, उससे गाजीपुर ट्रक वाले ने ला करके छोड़ा और उसके बाद ये लोग पैदल गाजीपुर से कासिमाबाद क्षेत्र में आ करके अपना एंट्री करवा रहे हैं। तो आइए हम अभी तक कितना एंट्री हुई है सुबह से हम बताते हैं। तो सुबह से अभी तक कितने लोगों का एंट्री हुआ हम पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कि कासिमाबाद क्षेत्र में सुबह से अभी तक कितने लोगों का एंट्री हुआ है। मैडम जी, ये सुबह से कितने लोगों का अभी तक एंट्री हो चुका है? काउंटिंग हम किए नहीं है। तो यहाँ मैंने पूछा कोतवाली कासिमाबाद में कि अभी तक कितने प्रवासी आ चुके हैं, तो यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं हो रही है और ना ही उसका कोई रिकॉर्ड, केवल रिकॉर्ड में केवल नाम लिखा जा रहा है और मौजा का नंबर लिखा जा रहा है, यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं हो रहा है। तो काउंटिंग होनी चाहिए, हम प्रयास करेंगे कि अगले न्यूज में हम इसे पता लगाएं कि हमारे कासिमाबाद क्षेत्र में कितने प्रवासी आए हैं पूरा। तो मैं हूँ वकील साथी कासिमाबाद, कैमरामैन सोनू के साथ।